हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल की टू सक्सेस। आपका स्वागत है। यहाँ पर हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, हॉट्स क्वेश्चन सीरीज। दैट मीन द क्वेश्चन नंबर फोर आपके जो बोर्ड का पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसमें आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम पहले चैप्टर से क्वेश्चन का जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो कुछ 5 क्वेश्चन मैं आउट ऑफ टेक्स्ट बुक के ले रहा हूँ, ताकि एक आइडियाज आपको जो है आपको मिल जाए वहां पर कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 4। लेट स्टार्ट अवर वीडियो। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो द बेल आइकन। रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वेट ऑफ अ बकेट इज 19 kg। एक बाल्टी जो है उसका जो वेट होता है वो 19 kg होता है। कब? When it's filled with a water 5/7 of its capacity। अब जो भी उसकी पूरी फिल होती है, कैपेसिटी जो है भी वाटर बकेट की, अगर उसका 5/7 वाटर फिल है बकेट में, तो उसका वेट 19 kg होता है। वाइल जबकि इट्स वेट इज 22 kg इफ इट इज फिल्ड विथ वाटर 6/7 ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो उसकी कैपेसिटी का जो है, अगर 6/7 वाटर उस बकेट में है तो उसका वेट जो वहां पर 22 kg होता है। फाइंड द वेट ऑफ बकेट। तो बकेट का वेट फाइंड आउट करना है इफ इट्स कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। तो अब जो कंप्लीटली फिल्ड अप वाटर है बकेट में, जो वाटर है उसके साथ उसका वेट हमको जो है फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो एम्प्टी बकेट है हम उसका वेट यहां पर सपोज कर लेंगे। लेट द वेट ऑफ बकेट बी एक्स के जी। अब जो वाटर कंप्लीटली फिल्ड वाटर है, वाटर का वेट हम यहां पर सपोज कर लेंगे। वेट ऑफ वाटर व्हेन बकेट कंप्लीटली फिल्ड बाय बी वाई। तो ये वाटर वेट हो गया जो कंप्लीटली फिल है, और एम्प्टी बकेट का वेट जो हो गया वो एक्स। दैट मींस अगर एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट होती है तो हम दोनों की प्लस कर देंगे, तो हमको जो फाइंड आउट करना है वेट ऑफ बकेट इट्स कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमको यहां पर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेट स्टार्ट। अब देखिए इक्वेशन बनाएंगे हम। तो इक्वेशन जो है, पहला वेट जो दिया है वो 19 kg दिया है। व्हेन बकेट प्लस 5/7 इट्स कैपेसिटी। अब कैपेसिटी कितनी है? y कैपेसिटी है। किसकी? वाटर की। वो बकेट की कैपेसिटी y है। इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x यानी बकेट की वेट प्लस 5/7 उसकी कैपेसिटी इज इक्वल टू 19 kg। इक्वेशन सिंपल है स्टूडेंट, आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो गया होगा। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर जो 7 डिनोमिनेटर में है इसको हम यहां से इलिमिनेट करेंगे। तो इलिमिनेट करने के लिए हम लेंगे मल्टीप्लाई बाय 7। होल इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 133। दैट मींस हम एक्स को यहां पर, एक्स को भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। पिन चेंज कर लो जरा सा। x को भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 5/7 y को भी 7 से मल्टीप्लाई किया एंड 19 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया। तो वी विल गेट 7x और ये 7 और जो मल्टीप्लाई करेंगे 7 वो 7 यहां डिवाइड हो जाएगा। तो 5y एंड 19 7 जा 133, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई स्टूडेंट। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे हम सिमिलरली, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन यहां पर फॉर्म किया है, सेकंड इक्वेशन भी हम ऐसे ही फॉर्म करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम सेकंड कंडीशन देखेंगे के इफ वेट इज 22 kg इफ इट इज फिल्ड विथ वाटर 6/7। यहां पर 5/7 इट्स कैपेसिटी था, अब यहां पर 6/7 है। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन की इक्वेशन बनेगी वो एक्स प्लस 6/7 वाई इज इक्वल टू 22। ये बकेट का वेट है, ये उसकी कैपेसिटी का 6/7 उसमें वाटर है इज इक्वल टू 22 kg। उसके होल जो है बकेट का जो है ये वेट हमको यहां पर रिसीव हो गया है। अब इसको भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। तो वी विल गेट 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 154। यहां पर जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन किया फॉर्म किया, सेकंड सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हमने यहां पर फॉर्म किया है। अब दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो आप देखिए यहां पर 7x ये x का वेरिएबल जो 7, यहां पर x का वेरिएबल 7, ये सेम है। जब दोनों का वेरिएबल सेम है और दोनों की साइन देखेंगे, यहां प्लस है इसके 7 के साथ भी प्लस है, जब दोनों की साइन भी सेम है वेरिएबल भी सेम है तो हम इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 थी हमारी, इक्वेशन 2 है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है हमारी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 154, 2 लिया मैंने पहले,
और सेकंड वाली लिया, आप उसको अल्टरनेट ले सकते हैं, आप फर्स्ट भी ले सकते हैं पहले, तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को जो है यहां पर सब्ट्रैक्ट करूंगा। 7x plus 6y is equal to 154, 7x plus 5y is equal to 133। जब भी इक्वेशन की हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है वो उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है। तो 7 के पास जो साइन है वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएंगी, 5 के पास साइन प्लस है वो भी माइनस हो जाएंगी, 133 के पास प्लस है वो भी माइनस हो जाएंगी। तो ये साइन हम चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। नाउ वी कैन डिवाइड 7x और 7x, वी कैन कट इट, 7x एंड 7x यहां पर कट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि 7x में 7x गया था, दैट मींस 0। तो 6y में से 5y अगर हम माइनस करते हैं तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 154 माइनस 133, वी विल गेट 21। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 21, y इज इक्वल टू 21। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग y इज इक्वल 21 इन इक्वेशन 1। लेट पुट द इक्वेशन, let put the y is equal to 21 equation 1. So put in equation 1. Equation 1 is 7x plus 5y is equal to 133. Now put the y is equal to 21 in the place of y. So 7x plus 5 into 21, the place of y, we will get, we will put 21 is equal to 133. 5, 21 are, multiply kar denge hum 7x plus 105, 21 5 जा 105, 133 माइनस, ये प्लस उधर गया तो माइनस हो गया हमारे पास, तो 133 में से 105 माइनस करें तो यू विल गेट 28। तो 7x इज इक्वल टू 28। नाउ डिवाइड x इज इक्वल टू 28 अपॉन 7, 7 को हमने इधर लेकर आया, डिवाइड में आ गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 4। दैट मींस the weight of bucket is 4 kg and the weight of water when it's completely filled is 21. Now we have to find weight of bucket if it's completely filled with water. So water ke saath, to water ka weight hamare paas aaya 21 aur bucket ka weight aaya 4, dono ki hum addition karenge to yahan par humko milega x plus y is equal to 4 plus 21 is equal to 25. So weight of bucket when completely filled is x plus y, that means 4 plus 21 is equal to 25. तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये हॉट्स में आता है, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।